नमस्कार दोस्तों, सोइंग मशीन गुरु की चैनल में आपका स्वागत है। हमने आगे के वीडियो में आपको लॉक स्टिच मशीन में लगने वाले फूट के बारे में जानकारी दी थी। आज हम ये दो फूट जो है, ये जो गैदरिंग करते हैं, ये गैदरिंग के फूट के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जो दो टाइप के गैदरिंग फूट हैं, ये गैदरिंग फूट क्या काम करते हैं हम आपको आज बताएंगे। ये दो टाइप के अलग अलग वेराइटी फूट हमने आपके सामने रखे हुए हैं। ये फूट को हम अब आपको इसमें लगा के बताएंगे। उससे पहले आपको इसके फूट के जानकारी दे देते हैं। ये फूट है P952। ये जो फूट है, इससे आप कपड़े में चुनर गिरा सकते हो। और ये जो फूट है P5, ये जो फूट है, इससे इतना फर्क पड़ता है कि आप इसको चुनर भी गिरा सकते हो और उसके बीच में कपड़ा डाल के ऊपर के कपड़ा प्लेन जाएगा और नीचे के कपड़े में चुनर होगी, वैसा भी काम कर सकते हो। तो अब हम आपको हमारे मशीन में लगा के ये आपको बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा जीटेक का सिलाई मशीन है। उसके अंदर हम आपको पहले ये जो नॉर्मल प्रेशर फुट लगा है उसकी सिलाई करके बता देते हैं। अब हम आप में ये फुट चेंज करके P952 वाला फुट लगाएंगे। ये जो है, सबसे पहले हम आपको इसका डेमो देने वाले हैं। ये फुट का P952, ये फुट हम नॉर्मल जो फुट है उसको आपको निकाल देना पड़ेगा और ये जो 952 वाला फुट है वो आपको लगाना है। इसको सही तरीके से आप टाइट कर दीजिए। ये फुट लगने से आपका ये गेटर का फुट लग गया हुआ है। अब उसको क्या सेटिंग करना है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप कपड़ा रख दीजिए और उसको थोड़ा चला के देख लीजिए। ये आपकी कम हो रही है, ये चुनर हो रही है पर कम हो रही है। इसके लिए आपको एक टेंशन को टाइट करिए। टेंशन टाइट करने से टाका टाइट आएगा। आपको कपड़े को पीछे खींचना नहीं है, ध्यान रखिएगा, कपड़ा अपने आप खींचता रहेगा। ये आपकी चुनर हो रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये आपकी चुनर हो रही है। अब हम आपको उसको पीछे से थोड़ा टाइट करके ज़्यादा चुनर होए वैसा करके दिखाते हैं। ये फूट इसको जितना भी टाइट करोगे आपका फूट वो क्रीज में ज़्यादा करेगा। ये देखिए, और डायल भी आप कम करोगे तो भी वो चुनर आपकी नज़ीक नज़ीक आएगी। अब देखिए, तो ये P952 फूट लगाने से आपका ये चुनर आपको अभी हम सैंपल के तौर पे दिखाते हैं। ये देखिए, इसको आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसको आपको पहले सिलाई मारना पड़ेगा। ये खाली आपकी इफ़ेक्ट हुई है, ये हमने पहले किया था, फिर हमने उसको ज़्यादा प्रेशर दबाया तो ये चुनर नज़ीक नज़ीक आने लगी। हमने डायल कम किया तो ये चुनर और नज़ीक होने लगी है। तो ये हमने नेट के कपड़े पे किया हुआ है, अभी आपको नॉर्मल कपड़े पे भी करके बताते हैं। अभी हम आपको कपड़े पे लगा के बताते हैं। ये देखिए, आपकी क्रीज हो रही है।
और ज़्यादा दबा के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने कपड़े में चुनर की हुई है। अब आप इसको कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरा जो P5 वाला फुट है वो बता रहे हैं। अब हम आपको दूसरा फुट लगा के बताएंगे। दोनों फुट हम आपको बारी बारी लगा के बताने वाले हैं। ये जो भी है फुट के लिए हम दिखा रहे हैं, ये फुट क्वांटिटी वर्क नहीं क्वालिटी वर्क देता है आपको। ये कोई भी फुट ले लो, आपको क्वालिटी वर्क देगा, फिनिशिंग देगा और आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनेगी। इसे आप वो मत सोचिएगा कि आपका क्वालिटी वर्क नहीं, क्वांटिटी वर्क निकल रहा है। ये क्वांटिटी वर्क के लिए नहीं है, क्वालिटी वर्क के लिए है। अब हम आपको सबसे पहले सिंगल नेट के कपड़े पे वो इसके अंदर भी आपको चुनर करके बताएंगे। दोनों का फंक्शन एक ही है, ये पैर में इतना ही फर्क है कि आप बीच में से कपड़ा अटैच करके ऊपर का कपड़ा प्लेन और नीचे का कपड़ा चुनर वाला भी अटैच कर सकते हो। इसके लिए ये फुट में खांचा दिया गया है। ये जो चीज़ है इसमें नेट के कपड़े में आपको इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। जितना ज़्यादा कपड़ा आपका होगा उसकी आपकी इफ़ेक्ट कम होती जाएगी। ये देखिए, हम आपको इसके बीच में कपड़ा अटैच करके बताएंगे। ये कपड़े को ऊपर से हमने अटैच किया हुआ है, अब हम आपको चालू करके बताएंगे। ये जो फुट है आपको बहुत ही आसानी से आप काम कर पाते हैं और आपका काम बढ़िया निकलता है। ये देखिए, ये कपड़ा आपका कपड़ा ऊपर रह गया और नीचे चुनर हो गई। तो इसका ये जो इसका बेनिफिट ये है कि आप उसके साथ में कपड़ा अटैच कर सकते हो। ये देखिए, साथ में ऊपर का कपड़ा अटैच हो गया है। देखिए, फिर आपको ऊपर से सिलाई मार देनी है तो आपका ये कपड़ा पूरा बढ़िया लॉक हो जाएगा
और आपके नीचे की झोल हो जाएगी और ऊपर का कपड़ा आपका प्लेन होता रहेगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और ये फूड की इंक्वायरी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।